एक बार की बात है, बहुत समय पहले एक प्रतापी सन्यासी व्यास जी अपने आश्रम में सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। वह रोज अपने आश्रम में उन सभी शिष्य को ध्यान के बारे में, ज्ञान के बारे में और नई नई चीजों के बारे में बताते थे, उन सब से अवगत करते थे। धीरे धीरे समय के साथ जब उन शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती है, तब संत गुरु कहते हैं कि अब आप सभी की शिक्षा पूर्ण हो गई है, आप किसी भी जगह जाकर अपनी आगे की ध्यान साधना कर सकते हैं और लोगों तक अपने ज्ञान का प्रचार कर सकते हैं। सभी शिष्य एक एक करके गुरु से आज्ञा लेकर अपने मार्ग पर निकल जाते हैं। कुछ साल बाद गुरु सोचते हैं कि काफी समय हो गया, क्यों न उन सभी शिष्य से फिर से एक बार मिल लिया जाए, यह देख लिया जाए कि वह अपनी शिक्षा का किस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं। एक एक करके वह अपने सभी शिष्य से मिलते हैं और यह देखते हैं कि सभी सही मार्ग पर चल रहे हैं, अपने ज्ञान का सही प्रचार कर रहे हैं। वह बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें उन शिष्यों से मिलकर बहुत संतुष्टि अनुभव करते हैं। वह सभी शिष्य भी गुरु से इतने सालों बाद मिलकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सभी से मिलने के बाद गुरु व्यास अब अपने एक आखिरी शिष्य से मिलने जाने का त्याग करते हैं। तब उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य गुरु व्यास जी से उस शिष्य के बारे में बताता है कि गुरु जी, वह शिष्य ने तो घर त्याग कर और जंगल में एक आश्रम खोल सन्यासी बनकर रह रहा है और साथ ही वह बड़े ही कठोर जाप ताप कर रहा है। यह सुनकर संत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वह उस शिष्य से मिलने जाने का तय करते हैं और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उस जंगल में श्याम के समय एक बहुत ही सुंदर स्त्री पायल की आवाज छम छम करते हुए उस शिष्य के आश्रम की तरफ बढ़ रही होती है और आश्रम के भीतर जाकर देखती है कि एक संत बाबा साधना में लीन होकर बैठे हैं। वह स्त्री उन बाबा के पास जाती है और उनकी समीप होकर अपनी पायल और चूड़ी की छम छम की आवाज करने लगती है। वह आवाज सुन बाबा आंखें खोल देखते हैं तो सामने एक सुंदर सी स्त्री खड़ी होती है। वह जितनी सुंदर उतने ही आकर्षित होती है। वह स्त्री बाबा के आंखें खोलते ही उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हे बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं यहाँ अपनी कुछ सहेलियों के साथ मेला घूमने के लिए आई थी, लेकिन अचानक आए आंधी और तूफान से मैं उनसे बिछड़ गई हूँ। सभी न जाने किधर की ओर चले गए हैं और मैं अकेले यहाँ फंस गई हूँ और भटकते हुए इस जंगल में मैं आपके पास पहुंच गई हूँ। अभी भी मौसम बहुत खराब है और कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। मेरी आपसे एक विनती है कि आप मुझे आज रात यहीं आपकी कुटिया में रुकने की इजाज़त दे दें, आपकी बहुत कृपया होगी। यह सुन वह संत बाबा कहते हैं कि अरे पागल, न तो यह कोई पाठशाला है न ही यह कोई धर्मशाला, यहाँ तो बस मेरी एक कुटिया है और इसमें केवल संत फकीरों का आसन लगता है जिसमें हम सभी संत फकीर भजन करते हैं और माला फेरते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं। यहाँ औरतों का कोई काम नहीं, तुम कहीं और जाकर अपना ठिकाना देखो, यहाँ रहना तुम्हारा कहीं से भी उचित नहीं है। यह सुन वह स्त्री कहती है कि महाराज, अब रात होने को है, इस अंधेरे में जंगल में भला अकेले कहाँ जाऊंगी, बस एक रात की बात है, आप मुझे यहाँ रुकने की इजाज़त दे दें, सुबह होते ही यहाँ से लौट जाऊंगी। मेरे यहाँ रुकने से आपको कोई भी समस्या नहीं होने दूंगी। यह सुन वह संत बाबा कुछ सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है, तुम अंदर से मेरी माला लेकर मुझे दो,
और अंदर कुटिया में जाकर विश्राम करो, मैं आज बाहर ही रुक जाता हूँ। लेकिन ध्यान रहे सुबह होने तक तुम बाहर नहीं आओगी, और अंदर से कुंडी लगा लेना। वह गुरु को अंदर से माला लाकर दे देती है। वह संत गुरु फिर उस स्त्री से यह बात बार बार दोहराते हैं कि तुम बाहर मत आना, वरना मेरी साधना भंग हो जाएगी। वह स्त्री ठीक है कहकर कुटिया के भीतर चली जाती है और अंदर से कुंडी लगाकर सो जाती है। देर रात तक वह संत साधना करते हैं। उसके बाद उन्हें अचानक से उस स्त्री का ख्याल आने लगता है। उसके मन में उस स्त्री के प्रति छल आने लगता है। उनके कदम उस कुटिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। वह आधी रात में जाकर उस कुटिया का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, लेकिन वह स्त्री दरवाज़ा नहीं खोलती है। यह देख वह संत बाबा क्रोधित हो जाते हैं कि वह दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही, और वह क्रोध में आकर एक हथौड़ा ले आते हैं और काफ़ी देर मेहनत करने के बाद उस दरवाजे को तोड़ने में सफल हो जाते हैं। वह कुटिया के भीतर प्रवेश करते हैं, परंतु भीतर पूरे में अंधेरा ही अंधेरा होता है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तब वह संत जाकर एक दीवा लाते हैं और उसे जला देते हैं। दिए के जलते ही वह कुटिया में से जैसे ही चारों तरफ नज़र घुमाते हैं उस स्त्री को देखने के लिए कि वह कहाँ है। तभी संत यह देख हैरान हो जाते हैं कि एक बहुत ही बड़ी बड़ी धाड़ी, मूछ और बड़ी बड़ी जटाओं वाला महाराज आँख मूंद कर माला फेर रहा है। कपटी संत यह देख सन रह गया कि उस कुटिया में उस खूबसूरत स्त्री की जगह महाराज बैठे हुए थे। वह महाराज कोई और नहीं बल्कि वह व्यास गुरु थे। वह एक स्त्री का रूप धारण करके अपने उस आखिरी शिष्य यानी उन संत बाबा की परीक्षा लेने आए थे। यह देख उन संत गुरु को अपनी गलती एहसास हो जाती है और वह श्रम से अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। तब वह व्यास गुरु उनसे जाकर कहते हैं कि तुम चाहते हो अपनी इस शिक्षा और ज्ञान का उचित उपयोग कर सकते थे, लेकिन तुमने समय के लिए गलत मार्ग चुना और खुद को उस पर बढ़ने दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब तुम नजरें झुकाए खड़े हो। यह सुन वह संत अपनी भूल के लिए उनसे क्षमा मांगता है और अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए निकल जाता है। तो हम आशा करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।